इस खित्ते में बारगाह गरीब नवाज़ ख्वाजा मोइन उद्दीन चश्ती रद अजमेर शरीफ दरगाह की तरफ से सतगुरु श्री उदय सिंह जी महाराज की दावत नामे पे नामधारी सनकार और हमारी बड़ी खुशकिस्मती है तमाम जितने भी धर्म गुरु यहाँ पे मौजूद हैं उनके साथ साथ राधा स्वामी सत्संग व्यास से हुजूर बाबा जी हुजूर यहाँ पे मौजूद हैं ये वो शख्सियात हैं आप सब के सामने हम सब के साथ जिनको देखना ही उस रब का जिक्र याद दिलाता है जो हम सिमरन करते हैं जो जिक्र करते हैं मुर्शिद की दीद राह तरीक़त पे मुर्शिद की दीद राह तरीक़त पे रब के दीदार कराती हैं बाबा फरीद सरकार का जिक्र हुआ बाबा फरीद सरकार को जब तमाम खाजगान चिश्त बाबा कुतुब्दीन बख्तियार काकी की तरफ से ज़िम्मेदारियाँ मिली रूहानियत मिली आपने इस पंजाब खित्ते में बड़ी खिदमांत करी आगे चल के हुजूर बाबा गुरु नानक सरकार ने आपकी जो बानी थी उसको गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज किया आज पूरी दुनिया में जब गुरु ग्रंथ साहिब का ज़िक्र होता है शबद कीर्तन होते हैं तो वो बानियां दोहराई जाती हैं जिन्हें तमाम गुरुओं ने बुज़ुर्गान दीनों ने जो महसूस करा जो तजलियात उन पर उतारी गई उनको अपने अल्फाजों से जन जन के दिलों में रूह में पहुंचाया रूह की गजा बनी बार गरीब नवाज अजमेर शरीफ का जो पैगाम 800 साल आठ सदियों से बुनियाद ये पैगाम रहा कि मोहब्बत सबसे और नफरत किसी से नहीं अगर बंदे को उस रब की कुर्बत हासिल करनी है इफ़ यू वॉन्ट टू बी क्लोज टू द क्रिएटर जो ख्वाजा साहब ने तालीमात में बताया कि सिर्फ दो ही एंटिटीज़ हैं देर इज़ नो थर्ड डिविजन एक है खाल और दूसरा है मखलूक मखलूक इज़ क्रिएशन अलॉन्ग विद द ह्यूमन बींग्स ऑल पार्ट ऑफ क्रिएशन इन्वायरमेंट नेचर ट्रीज प्लांट और सारे गुरु जो गुरुजनों से जो हमें हिदायतें मिली हैं कि सबकी सेवा में अपनी जिंदगी का गुजर बसर करें तो ख्वाजा साहब ने फरमाया, गरीब नवाज ने कि इंसान को उस रब की कुर्बत हासिल करनी है तो अपनी जिंदगी में अपनी सिफात में अपने अखलाक में अपनी बातचीत में अपने किरदार में कुदरत की तीन सिफात को उतार ले। वो तीन सिफात क्या सूरज जैसी शफकत सन लाइक ग्रेस दरिया जैसी सखावत रिवर लाइक जनरोसिटी और ज़मीन जैसी खातिर तोज़ो अर्थ लाइक हॉस्पिटलिटी ये तीन कुदरत की सिफात अगर हम अपने किरदार में उतार लें तो जिस मकसद से आज हम यहाँ मिले हैं सर्वधर्म संवाद और जो गुरुजनों ने सेंचुरीज आफ्टर सेंचुरी सीना बसीना हाथ टू हाथ ट्रांसफॉर्मेशन और मुर्शद के नजर करम से जो मिला उसको हम अपनी जिंदगी के अंदर प्रैक्टिकली रियलाइज कर सकते हैं क्योंकि ना तो सूरज ना बहता हुआ पानी ना जमीन किसी से उसका नाम पूछती है उसका मजहब पूछती है ना किस खित्ते से आया है क्या जबान बोलता है किस मुल्क से आया है ये पूछती है वॉम तो सन इज इक्वली ओपन फॉर ऑल रनिंग वॉटर फ्रॉम एनी रिवर और वेल इट इज ओपन फॉर ऑल एन अर्थ नो मैटर हाउ्यूज वी आर आज जो इन्वायरमेंटल क्राइसिस हो रहे हैं जो हम देख रहे हैं तब्दीली आ रही है मौसम बदल रहे हैं ये हम अर्थ को यूज़ नहीं अब्यूज़ भी कर रहे हैं उसके बावजूद भी अर्थ इज़ एवर सो हॉस्पिटेबल तो ये किरदार हमें अपने अंदर उतारने हैं ये तमाम जो आप लोग यहाँ बैठे हैं जो मुर्शद के नजर करम से जो आपको तरबियतें मिल रही हैं कल जिस वक्त से हम चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर लैंड हुए तमाम जो नामदारी भाई और बुजुर्ग जो हमें लेने आए बड़ी मोहब्बत के साथ अपने घर भी लेके गए और मुझे वाकई एक लम्हे भी ये नहीं लगा कि मैं पहली मरतबा उनसे मिल रहा हूँ। जाहिरी तौर पे हो सकता है कि हम कुछ घंटों पहले मिले हों लेकिन जहाँ अध्यात्म के साथ स्परिचुअलिटी के साथ हम अपनी जिंदगी तो रूहें एक दूसरे को पहचान लेती हैं क्योंकि रूहों का रिश्ता इस दुनिया में आने से बहुत पहले होता है उसी रिश्ते को सामने रखते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं एक अंधी भागदौड़ दुनिया की एक अंधी भागदौड़ का हिस्सा नहीं बनते हैं ऐसी मजलिसों में ऐसी गैदरिंग में जहां पे बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ मिल जाता है खामोशी से भी वो तरबियत होती है क्योंकि मौलाना रूमी ने फरमाया अपनी मसनवी में कि खामोशी ही उस रब की ज़बान है साइलेंस इज़ द लैंग्वेज ऑफ गॉड बाकी सब उसका तर्जुमा है एवरीथिंग एज इज द ट्रांसलेशन ये बड़ा ही एक खास दिन हमारे लिए भी है जब हमें बताया कि उन्नीस में ऐसा सम्मेलन हुआ उसके बाद भी ऐसा सम्मेलन लेकिन इस तर्ज के ऊपर आज इतने सालों बाद उन्हीं बातों को याद करके सिमरन करके उस रब का जिक्र करके तमाम गुरुओं के सामने जब हम लोग मौजूद हैं यहाँ तो यकीनन इस प्रण के साथ इस प्लेज के साथ हम अपनी अपनी दिशाओं में वापस जाएं, अपने अपने घरों अपने अपने इलाकों में जाएंगे कि भारत देश ये एक ऐसा अजीम मुल्क है कि यहाँ पे अमन प्यार मोहब्बत इंसानियत की वो परंपराएं आज भी मौजूद हैं जो सदियों से पूरी दुनिया को मार्गदर्शन देती आई हैं ये हम सब का कर्तव्य बनता है प्लेज बनता है कि उसको आगे चलें नई जनरेशन को दें मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं अपनी अपनी बात रखेंगे लेकिन जो एहसास मुझे यहाँ हुआ अभी कुछ वक्त पहले हमारी खुशकस्मती थी कि हम अपने परिवार के साथ ब्यास जा सके बाबा जी की दावतनामे पे। एक हफ़्ता जब इनके पास रहे बिल्कुल जैसे मैंने आपसे कहा कि बिल्कुल हमें महसूस नहीं हुआ कि पहली मर्तबा किसी नई जगह हम आए हैं क्योंकि नया पुराना हमारी जहन की सोच होती है जब रूहें एक दूसरे को पहचान लेती हैं तो वो अपनापन और अपना घर लगता है और वाकई उसमें ये एहसास होता है कि ये बहुत ही हमारा रिश्ता जो रूहों का रिश्ता है वो सदियों से चला आ रहा है नवाज की बारगाह में जो मैंने बात कही बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि दरबार में आने वालों का ना तो नाम पूछें ना मज़हब पूछें ना जबान पूछें किस खत्ते से आए यह भी ना पूछें अगर पूछना है तो सिर्फ एक बात पूछें कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं हाउ कैन वी सर्व यू अगर कोई ज़रूरतमंद आता है और अगर आपके पास दुनियावी सरमाए हैं रिसोर्सेज हैं तो गो अहेड एंड हेल्प दें उनकी मदद करें अगर आपके पास भी वो विसोसेज़ नहीं हैं वो सरमाए नहीं हैं तो उस वाले ने ये दो हाथ हमें दिए हैं हाथ उठा के हम सब के लिए दुआ करें अमन की दुआ करें इंसानियत की दुआ करें मोहब्बत की दुआ करें क्योंकि दुआ और खजमत खल्क़ में वो ताकत होती है जो हमारी किस्मतें भी बदलता है ऐसा नहीं है कि किस्मत में जो लिख दिया गया वही हमेशा होता है दुआ और खिजमत खल्क़ सेवा से किस्मतें भी बदलती हैं और वो दरबार है गरीब नवाज और दरबार जहां सेवा होती है वहां पे किस्मतें रोज बदलती हैं को कभी हमें मायूस नहीं होना चाहिए नौजवानों से मैं खासकर कहना चाहूंगा कि अच्छे नंबर नहीं आए अच्छी जॉब नहीं लगी तो मायूस होते हैं कभी कभी एक्सट्रीम स्टेप भी ले लेते हैं तो मायूस ना हो सेवा और दुआ से किस्मतें भी बदलती हैं बारगाह गरीब नवाज में शरीफ में इसीलिए जो लंगर दिया जाता है आज से नहीं 800 साल से वो एक प्योर वेजिटेरियन लंगर है 800 साल से हर रोज़ सुबह पाँच बजे और शाम को पाँच बजे जो लंगर दिया जाता है वो एक ऐसा लंगर है जिसमें हम अनियन और गार्लिक भी नहीं मिलाते ताकि तमाम धर्मों के मोहब्बत के साथ उस दस्तर ख़ान पर बैठ सकें लंगर खा भी सकें खिला भी सकें क्योंकि ये दरबार और बुज़ुर्गों से रूहानियत जो मिलती है आज आप लोग भी यहाँ महसूस कर रहे होंगे कि जब यहाँ पे आते हैं दरबारों पे तो ख्यालों का भी ख्याल रखा जाता है ख्यालों का भी ख्याल रखना ही रूहानियत और उसका एहसास है तेरा दयार है दार या ख्वाजा तजलियाँ हैं नई सुबह शाम या ख्वाजा न फ़िक्र में न गमे जाम तेरे मस्तों को जो मुर्शिद की नजर करम से रहते हैं उनको कोई फिक्र और कभी कोई गम नहीं होता तेरी एक निगाह से चलता है काम या ख्वाजा कि मुर्शिद की एक निगाह से हमारा काम चलता है इसीलिए बाबा फरीद सरकार ने जब पेड़ के नीचे बैठे थे तो आपने जब वहां पे कहुआ बैठा उसको कहा कि तू मेरा पूरा मन खा ले लेकिन ये दो नैन छोड़ देना क्योंकि इस नैन से मैंने मुर्शिद के दीदार करे हैं और इस नैन के सदके ही मैं आगे भी अपनी जिंदगी गुजर बसर करूंगा मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम गुरुजनों का नामदारी सरकारों का सदगुरु जी का कि यहाँ पे अजमेर शरीफ की तरफ से दावतनामा दिया